जो बायलेटरल सीरीज को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, हम बार बार मुख्तलिफ मॉडल पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम ऑप्शंस पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई के रूठा महबूब बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि जो कराची की और पूरे पाकिस्तान की दीवारों पर लिखा हुआ है ना कि महबूब आपके कदमों में, अब तो सिर्फ वहीं जाने की कसर रह गई है। बिल्कुल यही लग रहा है। जब आपका दुश्मन घटिया हो ना, तो फिर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो तैयारी करनी पड़ती है। इंडिया हमारा ऐसा दुश्मन है कि जो खेल के मैदान में सियासत ले आया है, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, ऐसे ऐसे वो फोन कॉल्स करता है प्लेयर को, कि जिसकी वजह से उसको शर्म बिल्कुल नहीं आती। ये सारा गेम बनाया हुआ है भारत का, भारत के इन्फ्लुएंस में बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड, और भारत के इन्फ्लुएंस में है क्रिकेट श्रीलंका। क्रिकेट श्रीलंका के सेक्रेटरी मोहन डिसम्बा तो बर्मला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो उसकी मेजबानी उन्हें सौंपी जाए। वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया ना बेसिकली आपका एक तो खुलेआम एक तो छुपा दुश्मन होता है, एक सरेआम आपका दुश्मन होता है, खुलेआम आपसे दुश्मनी कर रहा होता है, तो वो उसी लेवल पर उतर आए। उनको पता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी और डिजास्टर का शिकार है, इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिचुएशन में है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्राइसिस का शिकार है। लेकिन लचक इसलिए नजर नहीं आ रही कि जो भारतीय इंतहा पसंद जमात है, भारतीय जनता पार्टी, उसके जो है वजीर दाखिला अमित शाह, उनके साथ जाते हैं जय शाह, जिनकी अब नजरें लगी हैं आईसीसी के चेयरमैन बनने पर। तो जय शाह यंग है, सेठी साहब ने एक दफा उनको कहा भी एक इंटरव्यू में कि अभी वो जो है ना जय शाह इस मामले में कुछ ना कुछ सोचे। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें तकरीबन चार ममालिक एक तरफ हो जाएंगे, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत, और पाकिस्तान अकेला रह जाएगा। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं कि एशिया कप का मुद्दा अब काफी ज्यादा गर्मा हुआ है, क्योंकि एशिया कप को लेकर पीसीबी और बीसीसीआई रोज भिड़ते हैं। पीसीबी कुछ नया नया स्टेटमेंट लेकर आते हैं, अभी जो नजम सेठी, उसके बाद बीसीसीआई उसको रिजेक्ट कर देता है, और इसके बाद फिर पीसीबी का रोना धोना शुरू हो जाता है। जैसे कि पीसीबी ने पहले एक हाइब्रिड मॉडल देने की कोशिश कर रही थी, फिर उसके बाद वो कहा कि हमारे पाकिस्तान में चार मैच करा ले, फिर वहां पर जो श्रीलंका में या यूए में आप चार मैच करा ले, फिर वो कहने लगा कि इंडिया को पाकिस्तान आके अगर एशिया कप नहीं खेलना है तो हम भी जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इस तरह का मुद्दा गरमाया हुआ रहता है, मतलब आप तो जानते ही होंगे। लेकिन अब बीसीसीआई कुछ भी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है, बिल्कुल चुप होकर बैठा है। इसीलिए पीसीबी नजम सेठी जितना भी कोशिश कर ले, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है बीसीसीआई को। अब आप जानते हैं कि जो कुत्ता जितना भूखता है और हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी तो अपने रास्ते पर ही चलता है, इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं, मजे लेते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। वजह है क्या, क्योंकि नजम सेठी साहब तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप हो जाए किसी तरह, हाइब्रिड मॉडल भी उन्होंने पेश किया, फिर उन्होंने लॉर्ड्स एक वेन्यू भी पेश कर दिया, इस क्या वजह है, आप इतने नाराज क्यों रहते हैं? देखिए, बात इसमें उसूल की बात है कि पाकिस्तान की डिग्निटी को इन्होंने स्टेक पर लगाया हुआ है, या रोज कोई ना कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी सुना देते हैं, हर रोज कोई ना कोई नया मॉडल, कोई ना कोई नया फार्मूला पेश कर देते हैं, जिसके जवाब में इंडिया एक तो वो बिल्कुल जवाब ही नहीं देते इनको, और अगर कोई जवाब देते हैं, जिस तरह इन्होंने कल दोबारा चर्चा छोड़ा कि हम इंडिया और पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली जा रही है, जिसको कंप्लीटली इंडियन मीडिया ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने डिनाई कर दिया। बिल्कुल खेल का जो आपकी चेयर का खेल है वो यहाँ पर खेलेंगे तो फिर दुनिया में कहीं भी आपकी कदर नहीं होगी, आप पहले अपना क्रिकेट बोर्ड मजबूत कर लें। ज्यादा क्या कयामत टूट पड़ रही है कि जी इंडिया को हमारे मुमकिन तौर पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि अगर वो यहां नहीं आया तो हाइब्रिड मॉडल पेश करें, नहीं आ रहा नहीं है, आप अपना करा सकते हैं दीगर बोर्ड का एतमाद में लेके। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि एक दफा उनको इनको ऑफर करना चाहिए, अगर वो आता है तो आए, अगर नहीं आता तो ना आए। आपके आप देखिए कि बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने कहा कि हमारे प्लेयर्स को वहां पर गर्मी लगती है, हालांकि वो अगस्त में भी यूएई में खेलते रहे हैं, वो यूएई में नहीं खेल सकते। वो अब श्रीलंका है, श्रीलंका के जो माशी हालात आपके सामने वो डिफॉल्ट कर चुका है, पिछले एक दो साल से उनके बहुत बदतरीन माशी हालात हैं, तो उनको थोड़ा सा इंडिया ने कुछ लड़ा लपा लगाया होगा, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो एशिया कप किसी तरीके से वो श्रीलंका में और वहां पर वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, साथ उन्होंने बांग्लादेश को मिला लिया। तो पाकिस्तान की इस तरह की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी जो कंट्री है उसके साथ नहीं है कभी, इन्होंने हमें कहीं कर ही रखा है, इन्होंने बिल्कुल हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसका ये फ्यूचर इन्होंने तबाह करके रख दिया। इनकी आपस की लड़ाई झगड़े, आपस के इनके तजादात, आपस की इनके जो इनसाइड स्टोरीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नो वे पर लाकर खड़ा कर दिया। ना तो इंटरनेशनल रिलेशन किसी कंट्री के साथ बनाकर रख सके हैं, ना ही वो अपना इंटरनल ढांचा स्ट्रॉन्ग कर सके हैं, ना वो इनका क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा मजबूत है कि वो इतना बड़ा रेवेन्यू कंट्रीज के बगैर जनरेट कर सके, और ना ही कोई इंटरनेशनल लॉबी अभी तक ये कर सके हैं। जो बायलेटरल सीरीज को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, हम बार बार मुख्तलिफ मॉडल पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम ऑप्शंस पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई के रूठा महबूब बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि जो कराची की और पूरे पाकिस्तान की दीवारों पर लिखा हुआ है ना कि महबूब आपके कदमों में, अब तो सिर्फ वहीं जाने की कसर रह गई है। बिल्कुल यही लग रहा है जिस तरह के इन्होंने एक मॉडल दिया था कि हम हाइब्रिड मॉडल कर रहे हैं, तो उसको भी इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। ये अभी जो इन्होंने शोशा छोड़ा है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज का, उसको भी उन्होंने निगेट कर दिया, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर जो वो लार्ज में एशिया कप का फाइनल जाकर लार्ज में खेलने की बात, यूरोप में खेलने की बात ही कर रहे हैं, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं बनती। तो मेरा हो चुका है, श्रीलंका इज रेडी टू होस्ट द इवेंट। आपको लगता है कि श्रीलंका में अगर होता है पाकिस्तान को जाना चाहिए?
देखिए मेरा ख्याल है कि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि देखिए आप आइसोलेट होकर नहीं रह सकते, आपने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया ना वो बेसिकली आपका एक तो खुला खुलेआम एक तो छुपा दुश्मन होता है, एक सरेआम आपका दुश्मन होता है, खुलेआम आपसे दुश्मनी कर रहा होता है, तो वो उसी लेवल पर उतर आए। उनको पता है कि पाकिस्तान की जो इकानी में डिजास्टर का शिकार है, इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिचुएशन में है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्राइसिस का शिकार है, वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसमें जो बड़ा फंड जो आईसीसी की जाने से आता है उसकी भी कटौती हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे चली जाएगी, और उसके बाद फिर जो आगे जब पाकिस्तान इन कंट्रोवर्सीज में चला गया तो आगे 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है उसका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाएगा, और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। नजम सेठी साहब, इनको क्या हो गया, इनका वन साइडेड लव अफेयर चल रहा है, मतलब रोज बरोज वो कोई नई बात करते हैं, न्यूट्रल वेन्यू पेश करते हैं। कल की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलना चाहते थे और बीसीसीआई रोज बरोज कहती है नहीं मैंने नहीं करना, तो ये क्या चल रहा है? जब आपका दुश्मन घटिया हो ना तो फिर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो तैयारी करनी पड़ती है। इंडिया हमारा ऐसा दुश्मन है कि जो खेल के मैदान में सियासत ले आया है, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, ऐसे ऐसे वो फोन कॉल्स करता है प्लेयर को कि जिसकी वजह से उसको शर्म बिल्कुल नहीं आती। आप उनके साथ एक राइवलरी ले रहे हैं एशिया कप, आपने होस्ट करना है, वो आपको होस्ट करने नहीं दे रहे, एक अभी जो है वो कट्टा हमारा बंद नहीं होता तो एक नई फुल टॉस उनको करा देते हैं और उसको छक्का मार देते हैं। ये मेरे ख्याल उस मसले को सेटल होने के बाद इस तरह की कोई नई फुल टॉस करानी चाहिए थी कि पाकिस्तान और भारत इस स्टेज पे हैं कि जो आईसीसी का लेटर पैड है ना उस पर कोई एग्रीमेंट साइन करेंगे, आप पाकिस्तान हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, आप चैंपियन ट्रॉफी यकीनी बनाए पाकिस्तान खेलने आएंगे, आईसीसी के बड़े मैचेस हमें बचाने चाहिए, एशिया कप जहां भी हो खेलेंगे। ठीक हो गया। और सारे बयान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, वहां सन्नाटा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन बजाय पीछे रहकर भारत गेम खेल रहा है कि किसी तरीके से कबूतर किया जाए पाकिस्तान में एशिया कप ना हो। ये बांग्लादेश की जानिब से भी कुछ बताया, आज जो है खबर ये आई है कि बांग्लादेश जो है वो दुबई में नहीं खेलना चाहता, वो कह रहे हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए बेटर है, बहुत गर्मी को बहुत ज्यादा इशू बनाया जा रहा है। देखिए सारी डोर जो है वो तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड हिला रहा है ना, क्योंकि वो उसके इन्फ्लुएंस में बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट निकलेगा एशिया कप। इंडिया के मौके पे भी कोई लचक आएगी, क्योंकि अब मुझे असाब की जंग लग रही है मिर्जा साहब, मुझे लग रहा है कि ये वही जीतेगा जंग जो कि ब्लिंक फर्स्ट करेगा, वो मतलब जंग हार जाएगा, मुझे इंडियन मौके में लचक अभी तक नजर नहीं आ रही जो कि हम इंडियन मीडिया को फॉलो करते। देखिए लचक इसलिए नजर नहीं आ रही कि जो भारतीय इंतहा पसंद जमात है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो है वजीर दाखिला अमित शाह, उनके साहबजादे जय शाह, जिनकी अब नजरें लगी हैं आईसीसी के चेयरमैन बनने पर, तो जय शाह यंग है। सेठी साहब ने एक दफा उनको कहा भी एक इंटरव्यू में कि अभी वो जो है ना जय शाह इस मामले में कुछ ना कुछ सोचे, लेकिन जो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, वो बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां जो इंतहा पसंद लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाए, क्योंकि क्रिकेट की रूलिंग बॉडी है। ये अलग बात है कि उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस है, ग्रेगरी जो न्यूजीलैंड के वो आईसीसी के चेयरमैन है, फिर जय शाह का इन्वॉल्वमेंट है, तो अब होता क्या है आईसीसी को इस मामले में न्यूट्रल रोल प्ले करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेगा तो फिर क्रिकेट स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि ये सारा गेम बनाया हुआ है भारत का, भारत के इन्फ्लुएंस में बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड और भारत के इन्फ्लुएंस में है क्रिकेट श्रीलंका। क्रिकेट श्रीलंका के सेक्रेटरी मोहन डिसम्बा तो बर्मला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो उसकी मेजबानी उन्हें सौंपी जाए। पाकिस्तान ने जिस तरह आपने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान ने एक हाईब्रिड मॉडल दिया है कि तीन या चार मैचेस पाकिस्तान में हो, जिनमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश का एक मैच हो, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हो, और अफगानिस्तान का एक और मैच हो, और पाकिस्तान जो है वो नेपाल से एक मैच खेले, बकिया मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। भारत ये चाहता है, जो भारत का टिल्ट है जो मुझे पता चला है वो श्रीलंका की तरफ है। जय शाह जो है लगता ये है कि माजी में उनसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता तो श्रीलंका में कराने के लिए हम आपको मदद करेंगे। तो बांग्लादेश पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा है, मेरी आज नजम सेठी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मिनट्स पर है, रिकॉर्ड पर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, बांग्लादेश ने कहा था कि ठीक है पाकिस्तान में कुछ मैचेस कराएं और कुछ कहीं और कराएं, लेकिन अब अगर बांग्लादेश अपनी इस बात से पलट जाता है, वो कहता है कि नहीं जी पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो पाकिस्तान से बाहर कराया जाए, तो मुझे लग रहा है कि फिर दरार पड़ जाएगी एशियन क्रिकेट काउंसिल में, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें तकरीबन चार ममालिक एक तरफ हो जाएंगे, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत, और पाकिस्तान अकेला रह जाएगा। लेकिन अगर भारत अपनी हठधर्मी पर कायम रहा, देखिए जय शाह कोई बयान नहीं दे रहे, सेठी साहब ने मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू देके भारत को अंडर प्रेशर तो ले आए, लेकिन वो खामोश बैठे, इसका मतलब है कि उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान को तनाव किया है, पाकिस्तान भी एम्बैरस कर सकते हैं वो करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि एशिया कप जरूर होगा। मेरे लाख इख्तलाफ से ही नजम सेठी साहब से, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, मुल्क की इज्जत और वकार की बात आएगी, तो सारा मीडिया उनके साथ खड़ा होगा, और इस मौके पर भारत को नीचा दिखाने के लिए हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें और इस मामले पर पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया का एशिया कप को लेकर क्या कहना था, तो दोस्तों ये बात उनको बहुत पहले से ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि पीसीबी जो है वो बीसीसीआई को कभी झुका नहीं सकता, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो मेजर शेयरिंग रेवेन्यू शेयरिंग जो हिस्सा है वो आईसीसी से लेता है, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो बड़ा बेटा है आईसीसी का, और लगभग ये कह सकते हैं कि आईसीसी को अगर कोई चलाता है तो बीसीसीआई है, तो आईसीसी कभी बीसीसीआई के साथ मनमानी नहीं करेगा और जो बीसीसीआई चाहेगा वही होगा, मतलब क्रिकेट की दुनिया में ऐसे अगर हुए तो एसीसी क्या मतलब बड़ी तोप है, एसीसी तो खुद बीसीसीआई और बीसीसीआई मिलकर बनाए थे जब जो भारत को वर्ल्ड कप और एशिया को वर्ल्ड कप की जो इवेंट होस्टिंग का राइट्स लाना था, तो इसलिए वो तब एसीसी गढ़ा गया था, लेकिन अब एसीसी सिर्फ एशिया कप के लिए रह गया है। आप जानते हैं कि एसीसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना कि कुछ ऐसे एसोसिएट नेशन को कुछ फर्क मतलब कुछ लाभ होता है इसमें, तो इसीलिए एशिया कप को लेकर ही एसीसी सिर्फ बचा है। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा गर्मा गया जब जो पाकिस्तान को होस्टिंग मिली, आप सब हमेशा जानते हैं कि पाकिस्तान तो कभी इंडिया जाने वाला नहीं है, अगर जाता तो 2012 से फिर सीरीज चालू हो जाती और बायलैटरल सीरीज तो दोनों मुल्क में हो जाते, तो इसीलिए पाकिस्तान तो इंडिया जाने वाला नहीं है, तो ये तो बात पहले से नजम सिटी को समझ जाना चाहिए था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि नजम सिटी जैसे बंदा ये सब हरकतें जो कर रहा है, ये तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ा मतलब मुझे तो लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बीसीसीआई पूरी तरह से हार मानना पड़ेगा और बीसीसीआई जो चाहेगा वही होगा। आईपीएल के बाद पूरी तरह से स्टांस क्लियर हो जाएगा बीसीसीआई का कि हम नहीं जाएंगे और श्रीलंका में ही एशिया कप रख दिया जाएगा, अगर पाकिस्तान इसमें राजी होता है तो अच्छा, नहीं होता है तो पाकिस्तान इसमें आउट हो जाएगा और कुछ चारा ही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और एशिया कप की इस जो पाकिस्तान मीडिया का डिस्कशन है इसको लेकर आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।